हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बॉन्ड एनर्जी और एस कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल्स पे बातचीत की थी। इस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 2 है, मैं पूरी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट को डेडिकेट करता हूं, ठीक है। तो लेक्चर टू है ये, और इसमें मैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बातचीत करूंगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है, और मैं आपको बताऊं, ये पांचवा इफेक्ट मैं पढ़ा रहा हूं। अब तक चार इफेक्ट पढ़ा चुका हूं मैं, है ना, चार चीजों, चार टूल्स दे चुका हूं आपको, ये पांचवा टूल है इंडक्टिव इफेक्ट। जब भी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रुप खींचता या ढकेलता नहीं है, तब दूसरा ग्रुप खींचता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन का अगर स्लाइट डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का, तो हम उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। मैं आपको बताऊं, इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक माइनस आई इफेक्ट और दूसरा प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, माइनस आई इफेक्ट क्या मतलब क्या होता है? जब भी कार्बन चेन में एक ऐसा ग्रुप अटैच्ड हो जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने वाला ग्रुप है, अगर ऐसा ग्रुप होता है तो होता क्या है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ, जनरली ऐसे ग्रुप जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है। खींचने की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा ना पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। अब होगा क्या, इस डेल्टा पॉजिटिव आने से, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि अगर कोई एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो ये भी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये भी इसकी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव। यहां का भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन हल्का सा ही सही मूव करेगा, सबसे ज्यादा यहां मूव करेगा, यहां कम करेगा, यहां बहुत कम करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये ग्रुप अपनी तरफ खींच रहा है और अपने ऊपर क्या ला रहा है, माइनस चार्ज, ऐसे इसलिए इस इफेक्ट को हम माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि इस पे आप जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आता है, ठीक है। जहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि ईडब्ल्यूजी का मतलब होता है, है ना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, ये स्टैंडर्ड वर्ड है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अक्सर किताबों में भी ईडब्ल्यूजी लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, ईडीजी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचने के बजाय डोनेट करना पसंद करें, उन्हें हम ईडीजी कहते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक कार्बन चेन है, है ना, जिसमें ऐसा कुछ है, ईडीजी, ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब होता क्या है कि यहां पर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली कोई डोनेटिंग नहीं होता, अक्सर इस यहां जो की एटम है उससे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो बेसिकली कार्बन खींचता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन हम कहते हैं कि ये ग्रुप क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यह हल्का सा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिसके वजह से इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ जाए। अब आपको मालूम है कि किसी चीज के ऊपर, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, किसी चीज के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, यानी इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो गया तो थोड़ा सा ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, वैसे इसके साथ भी होगा, भी ऐसे आ जाएगा, है ना, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, ठीक। तो ये दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो उसमें, है ना, हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अगर ध्यान रखिए, अगर पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसे हम रेजोनेंस कहते हैं, तो याद रखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अब अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करिए, ठीक है ना, तो अगर मैं कहूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो आप क्या कहेंगे, है ना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं। पहली चीज कि ये इफेक्ट एक
परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल में हमेशा मौजूद रहता है, ये किसी वजह से जन्मता नहीं है, जन्मजात होता है। जब भी मॉलिक्यूल बनता है हल्का सा ये इधर डिस्प्लेस रहेगा, हल्का सा ये ऐसा, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि पहली चीज जो मैं जाना क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इज अ परमानेंट इफेक्ट, एक बात। दूसरी बात क्या, ठीक है, ये इफेक्ट बहुत ही वीक इफेक्ट है। वीक इफेक्ट मतलब क्या कि हल्का सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता है। रेजोनेंस में देखेंगे आप तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर तक जाता है, लेकिन इसमें क्या है, दिस इज स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे अपनी तरफ हल्का सा खींच ले या हल्का सा क्या कर ले, पुश कर ले, तो ये इफेक्ट बहुत ही वीक इफेक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है ये ग्रुप से दूसरे तीसरे चौथे एटम तक, या ग्रुप से पहले दूसरे तीसरे एटम तक जाते जाते लगभग डाई आउट हो कर जाता है, चौथे एटम पे इसका इफेक्ट लगभग नगण्य होता है, दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक। तो मैं कह सकता हूं क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट एंड डाइज आउट इन डाइज आउट आफ्टर 3-4 एटम्स, ठीक है, 3-4 एटम के बाद डाई आउट कर जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक है, है ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट्स कभी कभी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट शो करते हैं और कभी कभी डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो आप ऐसे परमानेंटली इनको ये नहीं कह सकते कि इंडक्टिव इफेक्ट जहां भी होगा वहां मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, नहीं, है ना। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट वही प्लस आई इफेक्ट किसी को स्टेबलाइज कर सकता है, और वही प्लस आई इफेक्ट किसी को डिस्टेबलाइज कर सकता है, वही माइनस आई इफेक्ट किसी को स्टेबलाइज कर सकता है, वही माइनस आई इफेक्ट किसी को डिस्टेबलाइज कर सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी स्टेबलाइजिंग एज वेल एज डिस्टेबलाइजिंग इन नेचर, ठीक है। तो इतना, ये तो एक मतलब एक इंट्रोडक्शन था, मैंने बता दिया कि स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, और ये इसके गुण है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट होता है, ठीक है, परमानेंट इफेक्ट होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट वीक है और 3-4 एटम के बाद डाई आउट कर जाता है, और ये स्टेबलाइजिंग और डिस्टेबलाइजिंग दोनों नेचर का होता है। ध्यान रखें कि अगर कहीं बीच में पाई बॉन्ड अगर हो, इसके बावजूद भी अगर पाई बॉन्ड हो तब भी ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ही प्रोपगेट करता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का इसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये बात भी आप कहीं लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड इट प्रोपगेट्स अलोंग सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन, ठीक है, जो मॉलिक्यूल का स्केलेटन है सिग्मा बॉन्ड का, उसी के अलोंग ये क्या करता है, प्रोपगेट करता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी काफी है आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। आइए अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि इसको और अच्छे से हम समझ सकें। आपको पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट को समझने से पहले मैं एक सीक्वेंस बना दूंगा, लेकिन लोग आमतौर पे माइनस आई का सीक्वेंस दे देंगे, प्लस आई का सीक्वेंस दे देते हैं। मैं सोच रहा हूं कि मैं सीक्वेंस डेवलप करूं, आपके दिमाग में इस चीज की अंडरस्टैंडिंग जाए कि आखिर क्यों किसी का इंडक्टिव इफेक्ट दूसरे से ज्यादा होता है, ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनिक की समझ और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो इससे पहले कि हम लोग माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप्स को जज करें इफेक्ट के अनुसार, माइनस आई है ना, ये मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता दूं, एफ ओ एन सी एल बी आर एस सी आई पी एच, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास ओ एच है और ओ आर ग्रुप है, ठीक है, तो आपके पास ये दो ग्रुप है, आप जानना चाहते हैं माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और अगर देखिए सबसे बड़ी बात है लोग तो इसको डायरेक्ट बता देंगे, आपको याद करना पड़ेगा। मैं एक कोशिश कर रहा हूं कि शायद आपको याद ना करना पड़े, आप समझ जाए, ठीक है। अब मान लीजिए यहां कार्बन अटैच्ड है और यहां कार्बन अटैच्ड है, तो होगा क्या, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां पर, ठीक है। हाइड्रोजन के इंडक्टिव इफेक्ट जीरो मानिए, हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हैं, उसका ना प्लस आई होता है ना माइनस आई, उसको रेफरेंस रेफरेंस मानते हैं, जीरो मानते हैं। एल्काइल ग्रुप का हमेशा याद रखिएगा कि एल्काइल ग्रुप आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अभी फिलहाल इतना मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इधर से वो कम खींचेगा, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन की एक एक, एक भूख है इलेक्ट्रॉन की, फिक्स्ड है, इधर से कुछ भूख शांत हो जाएगी तो इधर से खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जबकि यहां क्या है, इधर से भूख शांत नहीं हुई तो सब इधर से खींचने की टेंडेंसी होगी, तो मैं कह सकता हूं कि OH से OH का इंडक्टिव इफेक्ट OR से ज्यादा होगा, सारी बात आपको, ठीक है, OH का OR से ज्यादा हो जाएगा। यही यहां पर आइए, यहां पर क्या है, दो तरह दो एल्काइल ग्रुप है जिसके वजह से इसको काफी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इधर से कम खींचेगा, इधर एक से मिलेगा तो इधर से थोड़ा सा इसकी भूख शांत होगी तो इधर ज्यादा खींचेगा, इधर से बिल्कुल नहीं मिल रहा तो सब इधर से ही खींचने की टेंडेंसी होगी। मैं कह सकता हूं कि NH2 का इंडक्टिव इफेक्ट NH4 से ज्यादा होगा, NH4 का NR2 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आइए यहां पर बात करते हैं अगला। अब यहां पर तो मैं बड़े आसानी से देख सकता हूं कि यहां पर की एटम ऑक्सीजन है और यहां पे की एटम नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि नाइट्रोजन से ज्यादा होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के द्वारा खींचे जाने की संभावना नाइट्रोजन से काफी ज्यादा होगी, ठीक है, टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए OH का माइनस आई इफेक्ट जो है ना, OH का माइनस आई इफेक्ट जो है NH2 से ज्यादा होगा। यही चीज यहां पर देख लीजिए, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, फिर ऑक्सीजन उसके बाद आता है, फिर नाइट्रोजन उसके बाद आता है। अगर आप देखें तो यही आपका फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो चूंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी उसी का ज्यादा होगा, तो यहां पर सीक्वेंस आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यही चीज यहां देखा जाए, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, ये ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो s कैरेक्टर बढ़ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, इधर भी इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, इधर से तो ये खींचेगा तो ये भी खींचेगा, ठीक है। लेकिन यहां क्या है, ये खींच रहा है तो इधर से कुछ मिल जा रहा है क्योंकि R का है ना हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, R एल्काइल ग्रुप, तो इधर से थोड़ा मिल जाएगा तो इधर से खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यानी इसका एल्डिहाइड का इंडक्टिव इफेक्ट कीटोन से ज्यादा हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कीजिए और एल्डिहाइड की बात करिए तो यहां पर एक दिक्कत है, यहां जो डेल्टा नेगेटिव है ये डेल्टा पॉजिटिव, इसी वजह से डेल्टा पॉजिटिव की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है और इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है इसकी। लेकिन होगा क्या, इस लोन पेयर के वजह से, अभी मैं रेजोनेंस अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा पर आपको इतना पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड के अल्टरनेट पे अगर कहीं लोन पेयर दिख जाए तो वहां पर रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर रेजोनेंस होगा और इस इलेक्ट्रॉन के यहां आने की वजह से पॉजिटिविटी बहुत घट जाएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव बताता है कि यहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को इस रेजोनेंस ने पूरा कर दिया तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन सफिशियंट हो जाएगा तो इस तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। जबकि यहां ऐसा नहीं है, यहां पर डेल्टा नेगेटिव है, यहां डेल्टा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इधर से ज्यादा होगी, ठीक है ना, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं जो जो इसको इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू दे सके, तो ये इसका एल्डिहाइड का इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहां आइए, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव है जिसके वजह से ये खींचता होगा, यहां डेल्टा पॉजिटिव जिसके वजह से ये खींचता होगा, इसके रेजोनेंस के वजह से इसका पॉजिटिव काफी घट गया, इसके रेजोनेंस के वजह से इसका भी पॉजिटिव घट जाएगा, लेकिन यहां ज्यादा घटेगा क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है। यहां जितने इलेक्ट्रॉन थे उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां है, इसलिए क्योंकि R का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है और इस डोनेशन के वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर रेजोनेंस के वजह से तो ज्यादा पॉजिटिविटी घट जाएगी और पॉजिटिविटी अगर ज्यादा घट जाएगी तो इसको खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का इंडक्टिव इफेक्ट ईस्टर से ज्यादा होगा। यहां की बात की जाए, यहां पर क्या है, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव है, यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव है, ठीक है। आप कह सकते हैं सर यहां पे लोन पेयर है,
तो मैं आपको बताऊं, ये कार्बन जो है मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो कार्बन है सी डबल बॉन्ड ओ सी एल ऐसे है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन का ये जो ऑर्बिटल है वो 2p है, 2p है, जबकि क्लोरीन का जो ऑर्बिटल है वो 3p है, जिसमें ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। और 3p और 2p बहुत अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहां लोन पेयर पाई बॉन्ड के बगल में लोन पेयर होने के बावजूद अच्छा रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है, ये रेजोनेंस नहीं शो करेगा, ठीक है, रेजोनेंस नहीं है। तो आप याद रखिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों अच्छा रेजोनेंस नहीं शो करते हैं। फ्लोरीन इसलिए नहीं शो करता क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता, उसको पकड़कर बैठ जाता है, ठीक है। क्लोरीन इसलिए नहीं कर पाता कार्बन के साथ क्योंकि कार्बन का 2p और क्लोरीन का 3p अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, कि साइज में ऑर्बिटल्स के फर्क होता है, ठीक है। अगर अगर ब्रोमीन पाएंगे तो 3p की जगह आपका और बड़ा ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, 4p हो जाएगा, तो 4p और 2p आसानी से ओवरलैप नहीं कर पाएगा। आयोडीन के केस में ये 5p हो जाएगा, तो कहां 5p और कहां 2p दोनों ओवरलैप नहीं कर सकते। तो याद रखिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर कहीं मौजूद हो वहां वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के बजाय इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। अब मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये डेल्टा पॉजिटिव है, यहां पर क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींच लेने से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी बढ़ गई। देखिए, ऑक्सीजन खींच रहा है, यहां पे ऑक्सीजन भी खींच रहा है और कौन खींच रहा है, क्लोरीन भी खींच रहा है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ गई है। तो ये जो भरपाई है वो सब इस तरफ से किया जाएगा, यानी ये बहुत ज्यादा इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जितना डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा होगा, ठीक है। NO2 और CN में आप याद रखिए कि सीक्वेंस ऐसा हो जाएगा, NO2 का CN से ज्यादा होता है, ठीक है। और यहां क्या, इस क्वेश्चन को मैं है ना 10th क्वेश्चन को अलग से यहां लिख रहा हूं। 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन को मैं फिर से यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि इट नीड्स एक्सप्लेनेशन। तो 10th क्वेश्चन है NR3, ठीक है, फिर क्या NHRR प्लस, ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं NHR2। 10th क्वेश्चन यही था NH2R NH2R, फिर क्या हो जाएगा NH+। अब मुझे इन चार ग्रुप में देखना है, ठीक है, किसकी किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। तो फिर वही बात, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसका इंडक्टिव इफेक्ट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही वो टेंडेंसी है जो बगल के इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए मजबूर करेगी इस एटम को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पे तीनों एल्काइल ग्रुप के वजह से इसकी पॉजिटिविटी थोड़ी सी घट जाएगी, इधर दो के वजह से कम घटेगी, एक के वजह से थोड़ी कम घटेगी, और यहां पे बिल्कुल एज इट इज रहेगी। तो मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, ठीक है, यहां थोड़ा घटा, यहां ज्यादा घटा, यहां काफी घट गया, ठीक है। क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का नेचर भी क्या होगा, सबसे ज्यादा है, ठीक है, होगा। ऐसा लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, दिस वॉज एक्सपेक्टेड, लेकिन जो सीक्वेंस मिला उसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि NR3+ की का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, अगर ये लोग मिल जाएं तो इनका सीक्वेंस ये हो जाएगा NaN+HR2 फिर NH2R का इंडक्टिव इफेक्ट, फिर उससे ज्यादा किसका NH3+ का, और सबसे ज्यादा किसका, इसका NR3+ का, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी पाई गई, वॉज फाउंड, ये पाया गया, ये एक्सपेक्टेड था। तो अब हम लोग ने जो ये 10 क्वेश्चंस किए इसके आधार पे हम कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस बना सकते हैं, और इंडक्टिव इफेक्ट के सीक्वेंस में ये लोग शायद सबसे पहले इसलिए रखे जाए क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बाकी सब न्यूट्रल है। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि ये समय सही समय है कि मैं अब आपको सीक्वेंस लिख दूं। उस सीक्वेंस में कहीं ना कहीं आपको समझ में भी आएगा कि अब
अब इस एक्सरसाइज करने के बाद या इस क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में भी आने लगेगा कि उसका सीक्वेंस ऐसा क्यों है। तो आइए इंडक्टिव माइनस आई का सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंस ऑफ ऑफ माइनस आई इफेक्ट, तो ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पॉजिटिवली चार्ज लोगों को सबसे ज्यादा वरीयता दीजिए, एनआर प्लस थ्री। फिर अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था ये, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन यही था NH3+, फिर NH2R+, फिर NHR2+, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज तो लोग खत्म हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वरीयता किसकी आती है, NO2, फिर CN, फिर सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है, फिर एसिड क्लोराइड COCl, फिर एल्डिहाइड्स, ठीक है ना, आपने है ना एल्डिहाइड। अब आपको याद होगा कि मैंने हर एक क्वेश्चन डील किया, जैसे इस ये एक हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन था, ठीक है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन था कि एसिड क्लोराइड का ज्यादा होता है कि एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएंगे कीटोन COOR, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन मैंने ना डिजाइन किया। तो हम लोगों ने ये सीक्वेंस ऐसा क्यों आया है ना, ये अच्छी तरह से देख लिया है, समझ लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया था COOH, COOH और CO ईस्टर COOR के बीच में भी जो सीक्वेंस था है ना, बीच में जो रिलेशनशिप था, ये भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं है ना क्वेश्चन के मार्फत कवर किया है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएंगे, इसके बाद आ जाएंगे हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा OH, फिर OR, ठीक है, OR आ जाएगा, फिर आ जाएगा, मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है, इससे कम हो जाएगा है ना NH2, ठीक है, इससे कम हो जाएगा NHR, इससे कम हो जाएगा NR2, ठीक है, और लास्ट में है ना आप कह सकते हैं फिनाइल और हाइड्रोजन, ठीक है। तो जगह कम पड़ गई, इसे मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया और फिर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपने आप में मैंने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, OHOR को भी हम लोगों ने जज किया है, NH2 और NHR और NR2 के ऊपर भी मैंने क्वेश्चंस कराए। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये पूरा सीक्वेंस हम लोगों ने है ना क्वेश्चन के मार्फत देखा हुआ। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं, पॉजिटिवली चार्ज वाले लोग पहले आ जाएंगे, NR3+, NH3+, NH2R, NHR2, फिर NO2, CN, सल्फोनिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OH, OR, NH2, NHR, NR2 और फिर फिनाइल और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका माइनस आई का सीक्वेंस हो गया जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, आशा आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, ठीक है। अगली चीज क्या, आइए प्लस आई के ऊपर फिर से क्वेश्चन करते हैं और फिर उसका एक सीक्वेंस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने यहां पे क्वेश्चन दिया, अरेंज द फॉलोइंग इन प्लस आई अकॉर्डिंग टू प्लस आई। आपको पता है जैसे जैसे आइसोटोप हैवियर होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन को है ना जितना टाइटली इसने पकड़ा होगा ये थोड़ा सा उसको रिलीज कर देगा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई तो ये और थोड़ा सा उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी या डोनेटिंग टेंडेंसी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। यहां आइए, यहां टी की डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो इसकी भी ज्यादा होगी, यहां डी की है डी की है थोड़ी सी कम होगी टी से, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। एच की तो लगभग जीरो मानते हैं, तो मैं कह सकता हूं यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी कम होगी, तो जितना इधर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे उतना ही आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि सी टी थ्री की का प्लस आई सी डी थ्री से और सी डी थ्री का प्लस आई सी एच थ्री से ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक है, ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पर भी वही बात आ जाएगी, यहां पर क्या जैसे जैसे डी बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, क्योंकि डी का प्लस आई ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां तीन डी है तो ये ज्यादा देने की टेंडेंसी होगी, दो डी है कम देने की टेंडेंसी होगी, एक डी है एक ही यहां पे मूव करेगा और इसकी सबसे कम हो जाएगी, यानी इनका जो प्लस आई है वो ऐसा सीक्वेंस रखेगा, ठीक है।
एल्काइल ग्रुप आर नोन फॉर प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट के लिए जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। या एक कार्बन है, एक कार्बन का कम होगा दो कार्बन के ग्रुप से, क्योंकि ये डोनेट करेगा तो ये डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। दो से अगर तीन के दो लोग अगर मिल जाए तो ध्यान दीजिएगा, है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो जाता है, सेकेंड वाला जितना पुश करता है उतना थर्ड वाला नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे खाली सेकेंड वाले लोग ही हैं, तो ये दोनों कार्बन काफी पास है, और आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है, तो इसके थर्ड कार्बन का जो इफेक्ट है वो कम होगा, जबकि यहाँ पे दोनों सेकेंड पोजिशन पे इनका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये चीज जो है ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये ऐसा हो जाना चाहिए, तीन कार्बन के दोनों ही हैं, लेकिन यहां पे क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड काफी करीब, थर्ड दूर हो गया, जबकि यहां फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड दोनों पास है, ठीक है। तो अगर कार्बन सेम हो जाए तो ब्रांचिंग देख लीजिए, लोग ब्रांचिंग कहते हैं, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी है ना उतना उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, और तीन कार्बन से चार कार्बन का है ना इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, इसमें ब्रांचिंग भी ऑफकोर्स ज्यादा है। तो मैंने अब तक सीखा कि है ना मिथाइल जो होगा है ना उसका इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा है ना वन डिग्री एल्काइल से, ठीक है, वन डिग्री एल्काइल का है ना वन डिग्री एल्काइल का कम होगा टू डिग्री एल्काइल से, और टू डिग्री एल्काइल का कम होगा थ्री डिग्री एल्काइल ग्रुप से। तो हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज को भी, फैक्ट को भी यूज करेंगे। यहां की बात करिए O माइनस COO माइनस, यहाँ O पे नेगेटिव आ जाने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी घट गई है। मैंने लेक्चर नंबर वन में बताया था कि चार्ज किसी एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो अगल बगल के इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा, दुनिया वाले कहेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है। जबकि अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी क्या होगी, है ना, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। अगर ये घट जाएगा तो जितनी टाइटली इसने पकड़ा था ऐसे समय में, मान लीजिए इसने अभी इलेक्ट्रॉन होल्ड किया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव डाल दोगे तो इस नेगेटिव और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगेगा, है ना, रिपल्शन होगा, तो ये थोड़ा सा क्या किया जाएगा, रिपेल कर दिया जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यहां पर रेजोनेंस होने से ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहां से यहां फैल गया है, फैलने से उसका अफेक्ट कम होगा रिपल्शन का, ठीक है। तो अगर ये फैला हुआ है तो इसके और इसके लोन पेयर में कम रिपल्शन, इसके बॉन्ड पेयर में कम रिपल्शन होगा, जबकि अगर एक जगह पे मौजूद है, कंसंट्रेटेड है, तो इनके बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा, तो इसके इसका प्लस आई मेरे समझ से ज्यादा हो जाना चाहिए। तो O माइनस का प्लस आई है ना COO माइनस से ज्यादा होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब अगर एक क्वेश्चन ये भी हो गया, O माइनस NH माइनस CH2 माइनस किसका ज्यादा होगा, तो यहां पर इनके लोन पेयर्स इनसे रिपल्शन तो कर रहे हैं, ठीक है ना, कर रहे हैं, यहां भी कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से ये अपने नेगेटिव चार्ज को बहुत ही टाइटली हेल्ड रखेगा, इसमें पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा, इससे उतना रिपल्शन रिलेटिवली इससे कम होगा। यहाँ पे है ना इतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो थोड़ा बहुत पोलराइज होगा, डिस्टॉर्ट होगा, तो इसके करीब पहुंचेगा तो ये ज्यादा रिपल्शन महसूस करेगा, ठीक है। मैं कह सकता हूं O माइनस से है ना NH माइनस का जो प्लस आई है वो ज्यादा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाने पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई है इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है तो इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है ना और बढ़ जाएगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई है। तो कहीं ना कहीं छह क्वेश्चन से मैं अब रेडी हूं कि मैं एक सीक्वेंस तैयार कर सकता हूं प्लस आई इफेक्ट के लिए। तो आइए प्लस आई इफेक्ट के लिए एक सीक्वेंस तैयार करते हैं, सीक्वेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो कहां से शुरू करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था CH2 माइनस NH माइनस, ठीक है, O माइनस, ठीक है ना, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस, ठीक है, O माइनस हो गया। इसके बाद थ्री डिग्री ग्रुप, थ्री डिग्री, इसके बाद टू डिग्री, इसके बाद वन डिग्री, इसके बाद मिथाइल, इसके बाद, ठीक है ना, आप कह सकते हैं ट्राइटियम, फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं है ना प्लस आई का एक सीक्वेंस आ गया। यहां पे मैंने एक चीज मिस कर दी है,
यहाँ COO माइनस भी होगा, मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, है ना, इसकी शुरुआत होगी CH2 माइनस, फिर NH माइनस, फिर O माइनस, फिर COO माइनस, फिर ऐसा। आप ध्यान होगा ये अपने हमने एक क्वेश्चन के रूप में इसको जज किया था, ठीक है, इन दोनों को भी एक क्वेश्चन के जरिए जज किया था, तो पूरा सीक्वेंस ही हम लोगों ने जज किया, इस तरह की चीज भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन के मार्फ जज की थी, और इन तीनों के बीच में भी हम लोगों ने प्लस आई को जज किया था। तो मैंने ये जो प्लस आई सीक्वेंस है ये आपको जो दिया है इसके पीछे के पूरे लॉजिक को भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये लेक्चर मैंने सोचा था सेकेंड लेक्चर पूरी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट पे डेडिकेटेड रहेगा, तो ये आज यहाँ पे तो खत्म हो जाता है, ठीक है। मैं व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों प्लस आई और माइनस आई का सीक्वेंस याद रखें, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में उसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में और बात करते हैं रेजोनेंस की, जो कि मेरे ख्याल से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप रेजोनेंस समझे रहेंगे तो आगे आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी रहेगी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।